क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के कुछ मेगा प्रोजेक्ट इतने विशाल हैं कि वे अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। ये प्रोजेक्ट न केवल इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी के आधार भी हैं। तो आइए जानें कैसे अमेरिका नई ऊंचाइयों को छू रहा है इन परियोजनाओं के साथ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एलेक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण 2028 के ओलंपिक से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। यह परियोजना अमेरिका में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके तहत 1700 एकड़ क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 14 बिलियन से भी अधिक है। इस परियोजना के तहत नई अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण, मौजूदा स्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का विकास शामिल है। एयरपोर्ट में 3 मिलियन स्क्वायर फीट का नया टर्मिनल स्पेस बनेगा, जिससे हवाई अड्डे का आकार 25% तक बढ़ जाएगा, जो लगभग 42 फुटबॉल मैदान के बराबर होगा। प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण सैटेलाइट कॉन्कोर्स है, जो 7,50,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, और इसमें 12 नए एयरक्राफ्ट गेट शामिल होंगे। इसके सेंट्रलाइज्ड यूटिलिटी प्लांट, 6,000 सोलर पैनल्स और एक अत्याधुनिक वाटर रिक्लेमिनेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण से एलेक्स न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा बल्कि पर्यावरण में अहम योगदान देगा। यह प्रोजेक्ट लॉस एंजलिस को एक आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हवाई अड्डे के रूप में स्थापित करेगा, जो भविष्य की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। टेस्ला गीगा फैक्ट्री। जुलाई 2020 में शुरू हुई टेस्ला गीगा फैक्ट्री, जो टेक्सास कंपनी की उत्पादकता को बढ़ाने में एक बड़ा कदम है। यह फैक्ट्री कोलोराडो नदी के किनारे 2500 एकड़ से ज्यादा भूमि पर फैली हुई है। इसको पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इसका आकार 172 फुटबॉल मैदान के बराबर है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में शामिल करती है। टेस्ला इस फैक्ट्री में $1 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगी। साथ ही टेस्ला की सप्लाई चेन से जुड़े व्यवसायों को भी इसका फायदा होगा। गीगा फैक्ट्री टेक्सास टेस्ला की लॉजिस्टिक समस्याओं को हल करने में मदद करेगी, जिससे शिपिंग की लागत कम होगी और उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसे पूर्वी अमेरिका के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह फैक्ट्री पूर्वी तट के रेल और सड़क नेटवर्क के पास होने के कारण लॉजिस्टिक के आवागमन और वाहनों की डिलीवरी में सहायक होगी। फैक्ट्री में वाहनों के अलावा यहां टेस्ला के इन हाउस बैटरी सेल्स का निर्माण भी होगा, जो टेस्ला की क्लीन एनर्जी के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। लिंकिंग यार्ड्स मेगा प्रोजेक्ट। आप कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां रहना, काम करना और खेलना बेहद मजेदार हो। शिकागो में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। स्टार्लिंग बे कंपनी ने शिकागो को एक नया रूप देने की ठानी है। उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसका नाम लिंकिंग यार्ड्स है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को $6 मिलियन की लागत से अगले 10 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट शिकागो में लिंकिंग यार्ड के 55 एकड़ के एरिया को नए आधुनिक रूप से विकसित करेगा। इसके निर्माण के दौरान 24,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस परियोजना में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, दफ्तर, शॉपिंग मॉल और मनोरंजन के लिए जगहें बनाई जा रही हैं। यहां तक कि एक ऐसा इलाका भी होगा जहां बड़े बड़े संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये बिल्कुल लंदन के एरिना डिस्ट्रिक्ट जैसा होगा, जहां हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होकर मनोरंजन कर सकते हैं। लिंकिंग यार्ड सिर्फ इमारतें ही नहीं बना रहा, बल्कि ये शिकागो के लोगों के लिए नई लाइफ स्टाइल लेकर आ रहा है। लिंकिंग यार्ड्स का मुख्य उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर एक नई पहचान देना है। बोयन ब्रिज न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट। बोयन ब्रिज एक सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। बोयन ब्रिज का आर्किटेक्चर बेहद खास है। इसका आर्च डिजाइन पूरी दुनिया में मशहूर है, जो न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड और न्यू जर्सी के बोयन शहर को जोड़ता है, जो किलवैन क्लिव वाटर वे पर बना है। इस परियोजना की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क और एलिजाबेथ बंदरगाहों तक लार्ज कार्गो शिप्स की पहुंच आसान हो सके, क्योंकि यह बंदरगाह पूर्वी तट के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। पहला बोयन ब्रिज 1931 में बनाया गया था, लेकिन उसके नीचे से बड़े कंटेनर जहाजों के निकलने के लिए पर्याप्त ऊंचाई नहीं थी। जैसे ही पनामा नहर का विस्तार हुआ, नए और बड़े जहाजों की जरूरत बढ़ गई। इसे ध्यान में रखते हुए 2019 में बोयन ब्रिज को ऊपर उठाने का काम पूरा हुआ। अभी यह पुल पानी से 151 फीट से बढ़कर 215 फीट ऊंचा कर दिया गया है, जिससे बड़े बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब $1.7 बिलियन का खर्च आया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी कि पुल का यातायात बंद किए बिना काम को पूरा करना था। इसके लिए इंजीनियरों ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे कि पुरानी सड़क के ऊपर एक नई सड़क बनाना और फिर पुरानी सड़क को हटा देना। इस पुल के बनने से न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच आर्थिक और व्यापार गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। अटलांटा बेल्ट लाइन प्रोजेक्ट।
अटलांटा बेल्टलाइन एक महत्वपूर्ण सिटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य अटलांटा शहर के बीचों बीच में स्थित 22 मील लंबे पुराने रेल मार्ग को एक आधुनिक स्ट्रीट कार और मल्टीपर्पस रूट में बदलना है। इसका निर्माण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधारना ही नहीं बल्कि शहर में आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य में सुधार लाना भी है। लगभग 4.8 बिलियन की लागत से बनने वाली यह परियोजना अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें अटलांटा के 45 से अधिक इलाकों में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ पैदल चलने और साइकिल से चलने के लिए ट्रैक्स को बनाया जा रहा है। बेल्ट लाइन एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें पुराने रेलमार्ग और ट्रांजिट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए इंस्पिरेशनल मॉडल बन रहा है, जो भविष्य के शहरों में स्मार्ट विकास उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों, आपको कौन सा प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में बताइए, और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।